Jamshedpur police has busted a gang that looted passerby by showing fear of weapons. Police has arrested three accused in the case of robbery in two different police station areas. Let us tell you that they have seized weapons in MGM and Birsa Nagar police station areas. Passengers were being roped on the strength of those weapons. In the course of investigation, the police have arrested Harsh Om Sharma, Rahul Kumar Yadav, and Arun Uday Mahato. From them, the police have recovered many items including the bike used in the incident, 2,000 cash and 3 mobile phones. At present, the police have arrested all the three and sent them to judicial custody. इसी सप्ताह के दिनांक 21 जून को और 22 जून को एमजीएम थाना में और बिरसा नगर थाना में लगातार दो घटनाएं हुई, जिसमें बाइक पर सवार दो अपराध कर्मियों द्वारा किसी भी वाहन को रोक के या सड़क चलते वाहन को हथियार दिखाकर, चाकू दिखाकर पैसा छीनना या उनका पर्स छीनने जैसी घटना हुई। जब इस घटना में दोनों घटनाओं में अलग अलग कांड दर्ज किया गया और अनुसंधान किया गया, तो जो फुटेज पुलिस को प्राप्त हुआ उसमें एक ही गिरोह के द्वारा घटना को पारित किए जाने की संभावना व्यक्त की गई। तो इस घटना के उद्भेदन, दोनों घटनाओं के उद्भेदन और इसमें संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी एमजीएम, थाना प्रभारी बिरसा नगर और दोनों थाना से पदाधिकारी व सशस्त्र बल शामिल थे। इस घटना के अनुसंधान के क्रम में कुल 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों घटनाओं में जो एमजीएम थाना से इन लोगों ने 10,000 रुपया लूटा था और बिरसा नगर थाना से चाकू दिखाकर 2,000 रुपया और पर्स इनके द्वारा लूटा गया था। तो इन तीनों अपराध कर्मियों के पास से लूटा हुआ पर्स 2,000 रुपया और इस घटना को पारित करते समय जो वाहन खरीद किया गया था वो और जो कपड़े उनके द्वारा पहने गए थे, पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्रम में उसको बरामद किया। जहाँ तक अपराध कर्मियों की बात है, उसमें एक हर्ष ओम शर्मा है जो पूर्व में भी छिनतई मामलों में 3 मामलों में ये जेल जा चुका है, बिरसा नगर से, सीताराम डेरा से, टेलको थाना से। बाकी दो अन्य अपराधकर्मी राहुल कुमार यादव और अरुण उदय हैं, ये पहली बार न्यायिक हाजिरी।